अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। ओके, तो पहली बात तो ये अपने जैसे वो ब्रेन में अपने माइंड में बिठा लें कि दो वेंट्रल जो होता है उसका मकसद है इंटीरियर। ठीक है, तो जो वेंट्रल वॉल होती है वो आपकी बॉडी की इंटीरियर वॉल होती है। उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, उसमें अगर कोई भी होल बन जाता है या वो सही तरह से क्लोज नहीं होता तो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जो आपका वेंट्रल वॉल है इसका मकसद होता है इंटीरियर वॉल, यानी जो आप खड़े हुए हैं सामने, आईने के सामने खड़े हो जाएं और मिरर के सामने जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो आपकी वेंट्रल वॉल है। ठीक है, और जो नहीं दिख रहा, जो पिछली साइड पर आपका पूरी बॉडी है, बैक साइड ऑफ द बॉडी, वो आपका बन जाती है आपकी, वो आपकी इन एक्चुअली होती है आपकी डॉर्सल वॉल। ओके, तो जो वेंट्रल वॉल है उसमें डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं? ठीक है, उसमें डिफेक्ट आते हैं जब आपके फोल्ड क्लोजर सही से नहीं होते। लेट मी शो यू अ पिक्चर। ओके, सो दिस इज़ अ पिक्चर, इसको आप देखो, ये आपकी वेंट्रल वॉल है। ठीक है, फॉर सपोज ये आपकी पूरी की पूरी वेंट्रल वॉल है, ये जो आपका बेबी है वो पूरा का पूरा वेंट्रली आपको दिख रहा है। एंड उनमें जो है वो हर्नियाज हो सकती हैं। हर्नियाज का मकसद होता है कोई भी होल हो जाना, कोई भी सुराख हो जाना, उससे आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएं। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि उम्बिलिकल रिंग से बाहर आ रहा है आपका पूरा का पूरा इंटेस्टिनल जो गुच्छा जो है वो पूरा का पूरा बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अभी आपके पास जो आपकी जो वेंट्रल वॉल है उसका जो हेड है उसको हम बोलते हैं रोस्ट्रल, रोस्ट्रल एरिया। ओके, रोस्ट्रम वैसे बोलते हैं स्टेज को या अगली साइड को। ठीक है, तो हेड जो है वो आपका रोस्ट्रल एरिया है। अगर वो फेल्योर होगा उसका क्लोज होने में तो आपको एक्सटर्नल डिफेक्ट्स मिलेंगे आपके स्टर्नम वगैरह के। डिफेक्ट का मतलब है होल, डिफेक्ट का मतलब स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, कोई स्पेस आपको मिलेगी, यानी एक्सटर्नली आपको जो है वो छाती में आपको स्पेसिस मिलेंगी जो जिससे आपके ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो बाहर दिख रहे होंगे या बाहर आ रहे होंगे। लेटरल आपके फोल्ड्स जो हैं वो अगर सही से नहीं बनते तो गैस्ट्रोस्कीसिस होती है। गैस्ट्रोस्कीसिस क्या है ये आपको तो अभी समझेंगे हम लोग। गैस्ट्रो का मकसद मतलब ये गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है और ये आपका एब्डोमिनल रीजन है बॉडी का। इतना अभी के लिए याद रख ले, मोर देन इनफ है। ठीक है, और ये जो पिंक या पर्पल कलर में एक आपको डिफेक्ट नज़र आ रहा है, दूसरे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखें, इनको डिस्कस करते हैं आगे। टेल अगर जो है वो काउडली जो है वो आपका टेल रीजन जो बॉडी का है, अगर वो इंटीरियर वो ठीक से नहीं बना होगा, वो सही से क्लोज नहीं होता आपस में, तो वो जो वॉल्स होती हैं उनसे जो आपका ब्लैडर है वो बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्लैडर एक्सट्रॉफी। ठीक है, तो ये हमारी जो पिक्चर थी वो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने जो डिस्कस करनी है चीज़ वो है गैस्ट्रोस्कीसिस और ओम्फैलोसील। अब डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, अगेन यही बात, अगर आप फर्स्ट लाइन देख रहे हो, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ रोस्ट्रल फोल्ड क्लोजर, जिसकी वजह से आपको मिलेगी एक्सटर्नल डिफेक्ट, जिसमें एक्टोपिया कॉर्डिस यानी आपका जो स्टर्नम है वहाँ से आपकी जो है वो चीज़ें जो है वो एक्टोपिक नज़र आपको आ सकती हैं। उसके बाद लेटरल फोल्ड क्लोजर में आपको जो है वो जो दो चीज़ें मिलती हैं जो हमने अभी भी डिस्कस की कि ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोस्कीसिस, और काउडल फोल्ड आपके क्लोजर जो है वो अगर नहीं होता तो ब्लैडर एक्सट्रॉफी हो सकती है। अच्छा जी, देन लेट मी शो यू एन अदर पिक्चर ऑल्सो। अच्छा जी, ये अभी हमें हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक है, इसको गौर से देखिए थोड़ा सा पिक्चर को, और समझने की कोशिश करिएगा कि हो क्या रहा है आपकी बॉडी में। हमने पहले वाले जो हमारा जो लेक्चर था नॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एम्ब्रियोलॉजी का, हमने उसमें डिस्कस की थी ये चीज़ कि आपके बॉडी के तीन रीजन्स हैं। एक फोरगट है, एक ये यानी ये मुंह वाला रीजन है आपका। ठीक है, ये समझ लें कि आपका मुंह बना हुआ है यहाँ पर, ये आपका माउथ बना हुआ है। देन आपका मिडगट जो एब्डोमिन का रीजन है, ये आपका हाइंडगट यानी एनल रीजन, ये आपकी समझ लें कि एनल केनाल बनी हुई है या एनल रीजन बना, ये आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये जो चिक शेप्ड एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ये बेबी का समझ लें मुँह है पेट के अंदर, और ये बेबी का एनल केनाल है या ये बेबी का अपना जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, कुछ भी ब्ला ब्ला जो भी आप समझ लें। ठीक है, ये आपका निचला रीजन है बेबी का। अच्छा जी, अच्छा ये जो ऊपर वाला ये आपका रीजन होता है फोरगट, वो सेसिलिक ट्रंक सप्लाई करता है, मिडगट को SMA सप्लाई करती है, IMA जो होती है वो आपकी सप्लाई करती है आपके हाइंडगट रीजन को, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, मिडगट के जो आपका रीजन है वहाँ से 6वें वीक के अंदर आपका जो होता है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि नॉर्मल जो मिडगट एम्ब्रियोजेनेसिस है वहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा होता है कि आपकी जो हर्निएशन होती है थ्रू द उम्बिलिकस, क्यों हर्निएशन होती है, क्यों आपके इंटेस्टिनल कॉन्टेंट जो ये आपको नज़र आ रहा है वो 6वें वीक में बाहर आता है, जो आपका फीटस है उसके उम्बिलिकल रिंग से वो बाहर निकला, तो इसलिए कि आपका जो इंटेस्टिन है उसे स्पेस चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है, उसे स्पेस चाहिए डेवलप होने के लिए, और इस डेवलप होने के बाद वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्योंकि वो और उसकी एक्सेस होती है आपकी, फॉर सपोज यहाँ पर आपकी SMA है तो ये पूरा का पूरा SMA के अराउंड रोटेट करके आता है। ठीक है,
अब क्यों रोटेट करता है इसका अपना एक रीज़न है, लेकिन इतना याद रख लो कि ये रोटेट करके आता है, और अगर ये रोटेशन सही से नहीं होती तो आपके बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 10वें वीक में आपका जो है वो 10th वीक में आपका रिटर्न टू द एब्डोमिन होता है, और आपकी जो अम्बिलिकल रिंग होती है वो क्लोज़ हो जाती है। ये आपका प्रॉपर, अगर आप और मैं नॉर्मल बैठे हैं तो हम लोगों के, जब हम लोग 6 वीक के थे अपनी मम्मा के पेट में, तो हम लोगों के यहाँ ये चीज़ हुई थी, ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल हैं। अगर उस प्रोसेस में खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आया होता तो हमें मिडगट वॉल्यूलस हो सकता था। वॉल्यूलस क्या होता है, स्ट्रेंगल्ड हो जाता है, आपके जो गट होते हैं वो एक दूसरे से फंस जाते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली रोटेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पर, वो आपकी पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई आपकी रुक सकती है, और आपका जो पूरा सिस्टम है वो यूँ समझ लें कि तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपको इस्कीमिया कंडीशन आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इंटेस्टिनल एट्रेजिया हो सकती है। ओम्फेल इंटेस्टिनल एट्रेजिया का वन सेकेंड मतलब इंटेस्टिनल आपका पूरा तबाह बर्बाद हो सकता है, बेकार हो जाता है। ओम्फेलोसील हो सकती है या फिर ओम्बिलिकल हर्निया हो सकती है। अच्छा, अब ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोस्कीसिस हम बार बार बोल रहे हैं, इतना याद रख लें कि ये आपका मिडगट रीजन है और ये आपकी ओम्बिलिकल रीजन है, ठीक है। आ जाएं अब हमारी गैस्ट्रोस्कीसिस और ओम्फेलोसील के पास, कि भाई अगर अगर आपका जो जो आपकी जो हर्निया थी एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स की, वो डायरेक्टली ओम्बिलिकस से बाहर आ जाती है, यानी मिडिल से बिल्कुल बीच से बाहर आ जाती हैं, और वो किसी भी चीज़ से कवर्ड हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ से कवर्ड हैं और बीच से बीच के बाहर आती हैं, बिल्कुल सेंटर पे, जो आपका जिसे हम नाभि बोल रहे होते हैं या पता नहीं और क्या बोलते हैं ओम्बिलिकस को, ठीक है। तो ओम्बिलिकस से जो डायरेक्टली बाहर आ जाता है उसे हम कहते हैं ओम्फेलोसील। अगर आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉन्टेंट्स हैं, यानी आपके इंटेस्टीन है, जो आपके अंतनियाँ हैं, वो अगर आपकी राइट साइड से आती हैं आपके एब्डोमिन पर, तो वो आपका हो जाता है गैस्ट्रोस्कीसिस, और वो किसी भी चीज़ से कवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि राइट साइड से गैस्ट्रोस्कीसिस, मिडिल से ओम्फेलोसील, ठीक है। अब ये क्यों बाहर आते हैं, क्योंकि सही से आपकी एब्डोमिनल वॉल क्लोज नहीं हुई होती, सही से आपके जो आपकी यूँ समझ लें कि ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, इन दोनों को आपस में मीट करना है। अगर ये मीट नहीं करेंगी तो आपके कॉन्टेंट्स जो होंगे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इंटेस्टिनल कॉन्टेंट इस तरह गोल गोल घूमे हुए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली डॉक्टर्स जो होते हैं ना पीडियाट्रिक्स, वो क्या करते हैं कि सब्र करते हैं, कि अगर जब इस्कीमिया नहीं हुई, स्ट्रैंगल नहीं हुआ इंटेस्टीन, तो वो वेट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स आगे देखने को मिलेंगी। क्यों काफ़ी दफ़ा ये आपके जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टिनल कॉन्टेंट है, वो खुद ब खुद रिग्रेस करके अंदर चले जाते हैं, और बाद में उनको थोड़ा सा माइनर सर्जरी से वो ठीक कर देते हैं। अगर बेबी के जो इंटेस्टीन है, जैसे ये अभी दिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे आई थिंक स्ट्रैंगल्ड दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे पेल दिख रहे, मतलब ब्लैक दिख रहे हैं, इनमें पूरी की पूरी ब्लड जो है वो बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, मतलब ये है कि ये जो है वो स्ट्रैंगल्ड हैं। स्ट्रैंगल्ड को उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, कि आपस में जो है वो बिल्कुल गुच्छा बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे केमिकल होता है ना, जैसे काइट उड़ाते थे हम, पतंग उड़ाते थे, तो वो जो मांझा होता था वो पूरा गुच्छा बन जाता था, ठीक है, तो वो आपस में फंस जाता था। अगर फंस जाएगा तो उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाती है, और वंस इस्कीमिया हो गई, आपका पूरा का पूरा नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, आपका इंटेस्टिन बेकार हो जाता है, देन आपको कट ऑफ करके उसको सर्जिकली मैनेज करना होता है, और वो अच्छी खासी सर्जरी हो जाती है आपकी। अच्छा, गैस्ट्रोस्कीसिस की प्रेजेंटेशन कैसे आएगी आपके पास, क्योंकि अभी आप गायनी के डॉक्टर हो फॉर सपोज, तो आपने डिलीवरी करवा दी, अब आपने पीडियाट्रिक्स वाले को प्रेजेंट कर दिया बच्चा, तो उसके सामने कैसे आएगा कि पैरा उम्बिलाइकल हर्निएशन हुई होगी। पैरा मतलब साइड से, उम्बिलाइकस की साइड से हर्निएशन होगी एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स की थ्रू द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, और जो आपका ओम्फेलोसील होगा, हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स थ्रू द उम्बिलाइकस एट द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर कवरेज नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम और एमनियन, द गट्स कम आउट ऑफ द गैप और स्किज्म और स्किम इन द लेटर जी। ये निमोनिक है याद करने के लिए कि गट जो है वो गैप से बाहर आ रही है, ठीक है, जो साइड पर आपका बना हुआ है, तो उसको आपने जी से याद कर लिया, ये आपका अपना वो है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि निमोनिक हर कोई अपने बनाता है, तो इट्स अपॉन यू कि आप कैसे याद करते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप याद करो वो ये है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना इस लाइन को। उसके बाद अगर आप आ जाओगे, और ये पिक्चर ए आपके नीचे बनी हुई है, कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ओम्फेलोसील जो होता है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, एमनियन से भी कवर्ड हो सकता है,
लाइट ग्रे शाइनी आपकी बी रीजन में आपको मिल रही है। एब्डोमिनल कंटेंट्स आर सील्ड इन द लेटर ओ, अगेन ये निमोनिक है, याद करने के लिए आप अच्छे से याद कर सकते हो इस तरह से कि भाई कवर्ड है तो वो पूरा ओ जो है वो आपका कवर्ड है, और ओ जो है वो बिल्कुल ही सेंटर आपको शो करा रहा है तो सेंटर से आपके कॉन्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। अच्छा, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के अंदर, लाइक व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो व्हेन आई वाज इन मेडिकल स्कूल तो यही चीज़ मेरे माइंड में भी थी कि भाई अगर एक चीज़ कवर्ड है तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, अगर जो कवर्ड नहीं है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए उनके जो है वो उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं उन पर फ़र्क पड़ना चाहिए, उनकी कंडीशन पर फ़र्क पड़ना चाहिए, यानी कि जो कवर्ड है वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में नहीं, इस तरह से नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है। जो कवर्ड हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं, उसका रीज़न ये है कि जो आपके कवर्ड वाले हैं ना, ओम्फेलोसील वाले, वो एसोसिएटेड होते हैं आपके ट्राइसोमीज़ के साथ, एसोसिएशन, और एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि मतलब एक डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, एक आपका वेंट्रल वॉल डिफेक्ट हो रहा है, अब उसी के साथ साथ पता नहीं उनका रिलेशन आपस में क्या है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको उसी सेम बॉडी में आपको वो दूसरी डिजीज़ भी मिलेंगी, जैसे ट्राइसोमी 18 पटाव सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, जेनेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, बैकवर्ड्स वाइडमिन सिंड्रोम, ओके, ये आई थिंक रीनल से रिलेटेड है, और एंड अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक, गैस्ट्रो यूरिनरी एंड न्यूरल ट्यूब, वाइल जो आपका गैस्ट्रोस्किसिस होता है उसकी एसोसिएशन क्या है, नॉट एसोसिएटेड क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, गुड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मकसद क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ का ट्रीटमेंट किया तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। थैंक यू सो मच।